तो गाइस भाई ये चले गए हैं कुंड में नहाने के लिए। बट यार पानी बहुत गर्म हो रखा है, देखो कैसे भग भग के आ रहे हैं। तो वैसे कुंड का पानी सच में बहुत गर्म है भाई, तो अभी पाँव डाले हुए हैं फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। और पीछे ये है कुंड। तो भाई गौरी कुंड से स्नान करके सभी लोग निकल चुके हैं वहाँ को। और भाई अब बुरी हालत ख़राब नहाने के बाद इनकी, क्योंकि अभी तो हमें बहुत जाना है। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या होता है। तो भाई सामने से निकल रहा है प्यारा सा झरना भाई, काफ़ी मस्त लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत। फिलहाल भाई इतने सारे यात्री यहाँ पर चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो भाई धूप से हो चुकी हालत ख़राब भाई, अब तो अपने बैग भी इतने हैवी लगने लगे हैं ना, मन कर रहा है कि भाई इन्हें क्यों लेके आया यहाँ। और पसीना तो मत पूछो, जबकि अभी हमने आधा रास्ता भी कवर नहीं किया है, आधा के आधे का आधा 20% रास्ता भी कवर नहीं किया, बाकी साथी हमारे पीछे हैं। तो भाई सामने से एक और झरना आ रहा है छोटा सा, और ये देखो भाई। तो भाई अभी तो हम गौरीकुंड वाले एरिया में ही हैं, मतलब 20 किलोमीटर का भी हमने 2 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं कर रखा है। तो भाई पहले कम से कम 50% या 20% तो करते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई आपसे। तो भाई सामने का नज़ारा यहाँ से काफ़ी मस्त आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ दिख रहा है। अभी तक तो लग रहा था कि कब पहुँचेंगे। और नीचे है भाई खाई, जो कि यहाँ से हमें दिख नहीं रही है, बहुत ही तगड़ा सीन भाई। तो भाई एक और सुंदर सा वाटरफॉल जो कि आपको दिखाते हैं अभी। तो भाई ये व्यू कुछ है भाई, और तगड़ा व्यू है, और वहाँ ऊपर से आ रहा है भाई साहब। और भाई इधर एक और वाटरफॉल छोटा सा भाई साहब। तो गाइस वहाँ से ऊपर से आ रहा है और वहाँ नीचे तक है पूरा। और भाई इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे भाई, पीछे का वाटरफॉल देखो, यहाँ से जो विंड क्रॉस होकर गुजरी है भाई, इतनी ठंडी भाई मज़ा आ गया, क्योंकि नीचे से आते समय बहुत गर्म हो रहा है ना। सो गाइस एक सुंदर सा वाटरफॉल और दिख रहा है भाई साहब, क्या मस्त दिख रहा है यहाँ से। और अभी हमारे सारे भाई लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि भाई बहुत दूर मतलब बहुत पीछे छूट गए थे हमसे, बट अभी आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ से अपना सफ़र और करते हैं आगे, वो कंटिन्यू भाई, अभी बहुत लंबा जाना है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं जा रखे, अभी कम 3 किलोमीटर आ गए, तो भाई अभी हम 5 किलोमीटर आ गए या 4 किलोमीटर आ गए। तो गाइस सामने एक और ज़्यादा झरना आ चुका है, और इधर भाई मतलब झरने ही झरने दिख रहे हैं, वाटरफॉल ही वाटरफॉल हो रहा सब जगह। और इधर देखो भाई कितने सारे लोग पानी के साथ खेल रहे हैं। सो अब करते हैं और भैया से बात और पूछते हैं कि कैसा लग रहा है पैदल पैदल आने में। गाइस मेरा सेकंड राउंड है केदारनाथ का, और मेरा फर्स्ट बार आया था मैं 2018 में, जब मैं घोड़े में गया था, तो ऐसे घोड़ा नहीं हो खच्चर था, इनको घोड़ा बोल दिया था खाली। मैं करते सोच के आया था कि इस बार जाऊंगा पैदल, तो सिर्फ पैदल भोलेनाथ की यात्रा होगी पैदल। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो भैया अभी पहुंच चुके हैं एक और मस्त सी जगह पे भाई, जो कि यह है। पूरे रास्ते में केवल झरने 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 देख देख के भाई इतना सुकून मिला है ना, और इतना ठंडा ठंडा पानी। तो भाई वो देखो वो वहाँ से आ रहा है ऊपर से। तो भाई अभी आधा रास्ता तो कवर कर लिया है, और मैं और भंडारी हैं बस, बाकी लोग पीछे छूट गए और कुछ लोग आ गए, तो उनका वेट करते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं ना, तो हमें पता नहीं कि कौन से रास्ते जाना है और कौन सा शॉर्ट पड़ेगा, तो उनका वेट करते हैं, उनको आने देते हैं पहले यार। तो भाई एक और बटर क्रॉसिंग आ गई है सभी वाली। Thank you.
भाई ये काफी तगड़ा था। तो भाई अभी खाना खा लिया है हमने और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं पीछे। तो भाई यहाँ से बारिश भी आने वाली है, तो पहले रेनकोट डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वीडियो बन पाती है कि नहीं, क्योंकि भाई बहुत तेज बारिश आ जाएगी तो शायद कैसे बनेगी। तो भाई खाना खाने के बाद हम निकल चुके थे और भाई इधर देखो नीचे पत्थर में कुंड बना हुआ है वहाँ पर, जो कि काफ़ी मस्त शेप का बना हुआ है भाई। और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा, सडनली भाई बारिश का मौसम हो गया तो हम फटाफट चलते हैं। तो वैसे तो अभी हम रामबाड़ा पहुँच चुके हैं और यहाँ से जितना हम आ चुके हैं उतना ही और है, तो भाई फिलहाल हमें फटाफट चलना पड़ेगा क्योंकि बारिश का मौसम हो गया। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई अभी आ चुके हैं सबसे तगड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग भाई, यहाँ से अपनी मंदाकिनी नदी निकल लिया भाई और तगड़ी वाली। तो भाई सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, बारिश की वजह से शायद आवाज़ ही नहीं आ रही होगी भाई, क्या मस्त दिख रहा है। तो क्लोजअप शॉट दिखाएंगे आपको। तो भाई ये सीन तो बहुत ही तगड़ा है, बहुत खतरनाक आ रही है भाई नदी। ये देखो यार यहाँ पे चल रहा फोटो शूट सब लोगों का, बहुत तगड़ा वाला। और इधर देखो भाई नदी, ओ भाई। तो भाई सब बहुत तगड़ा वॉइस और बहुत तगड़ा व्यू, मतलब यार ये वाला व्यू तो भाई अनबिलीवेबल भाई, बहुत तगड़ा। और भाई उससे भी अच्छा तो ये नीचे दिख रहा है और हम चलते हैं सामने क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है ना अभी। तो भाई अब जाके लग रहा है कि केदारनाथ पहुंचने वाले भाई, हालत ख़राब हो गई है चढ़ाई से। और बाकी लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे भी हैं, वो मेरे पीछे मंदाकिनी नदी। तो भाई वो वहाँ से यहाँ आ गए अपन लोग भाई, सच में बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं टॉप पे और वो जो सामने नीले नीले मकान दिख रहे हैं भाई, पहले वो था केदारनाथ का रास्ता जो कि 14 किलोमीटर का था, बट भाई आपदा के बाद देखो कितना तगड़ा सीन हो गया उधर। और अब वही रास्ता 18 किलोमीटर का हो चुका है भाई, 18 किलोमीटर कम नहीं होता, मतलब 4 किलोमीटर बढ़ गया है आपदा की वजह से रास्ता। और पुराना रास्ता वो था जो मैंने आपको दिखाया जो कि उधर की साइड था, अब कट के इधर की साइड आ गया रास्ता। तो भाई अभी पानी की हालत देख लो कितनी है, और जहाँ तक लैंडस्लाइड हो रहा है वो पूरा का पूरा अलकनंदा नहीं सॉरी हाँ मंदाकिनी नदी ने काटा हुआ है, मतलब ये नदी के पानी से कटा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे आपदा कितनी भयंकर आई होगी। तो भाई अब लेने वाले शॉर्टकट ये वाला, वही रास्ता इधर से है, बाकी लोग भी चल रहे हैं आगे से तो हम भी चलते हैं। उड़ी बाबा तो यहाँ से कैमरा बंद करना पड़ेगा लगता है, तो यहाँ से थोड़ा टफ है। सबने बाकी लोग हैं नीचे ही, देखते हैं कि वो कैसे आते हैं, वह बहुत टफ है। मनोज अंकल जल्दी आओ। भाई एक चढ़ाई क्रॉस करने के बाद अब जाना है वहाँ, ये बड़ा रिस्क है भाई। लेट्स गो भैया, ये चढ़ाई दिखाना शॉर्ट। मेरे को क्या लग रहा है मनोज अंकल क्रॉस कर पाएंगे वाला शॉर्टकट? कहाँ है मनोज अंकल? ये तो चढ़ रहे हैं हमारी तर्ज, अभी उतरेंगे रुको। मनोज अंकल जल्दी आओ, वो वहां जाना ऊपर जो दिख रही है छोटी।
अभी आधा शॉर्ट कट कंप्लीट कर लिया बड़ी मुश्किल से, और आधा और करना है, और बारिश भी आ गई है। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी बारिश आ गई भाई। अभी बहुत तेज बारिश आ गया, तो मैंने डाल लिया रेनकोट, इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा, और बाकी दो तीन लोग ऊपर चले गए भाई, और भंडारी का रेनकोट डब्बू के पास ले गया, तो भंडारी भाग भाग के, और वो सब चले गए नीचे, बट मेरे पास रेनकोट है तो मैं यहीं पर रहता हूँ। तो ये सीन बहुत तगड़ा हो गया, बाकी लोग ऊपर चले गए, तो बाकी सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं नमूने। तो भाई यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं बारिश रुकने का। तो भाई बारिश बंद हो चुकी है, और इनका इंतजार करते 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 बहुत देर हो गई भाई। तो भाई ये सब यहाँ पे आ गए हैं, ओ वाह फोटो ले। तो भाई सामने से सभी लोग आ रहे हैं, और ये नज़ारा काफी मस्त है, देखो भाई कितनी सारी भीड़ आ रही है। तो भाई ये है बड़ी लिंचोली, और भाई क्या मस्त दिख रही है, और वहाँ जो आपको सीधी सी लाइन दिख रही है, तो भाई वहाँ जाना है हमें। तो भाई अभी सभी लोग पहुँच चुके हैं मैदान जैसे में, और वो लोग गए इधर उधर, और भाई सारा सामान मुझे देके जाना चाहिए क्या यार। तो भाई हम आ चुके हैं लिंचोली में, और यहाँ पर ये ग्राउंड है, बाकी अपने भाई लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, कुछ ऊपर चले गए, और भाई वहाँ ऊपर का नज़ारा देखो, वाह क्या तगड़ा सीन है, और थोड़ी बहुत बर्फ़ है इधर, और यहाँ से ऊपर को क्रॉस करने के बाद पूरी बर्फ़ आने वाली है। तो भाई एक शॉर्टकट है, बहुत टफ भाई, चप्पल ऐसे फिसल लें कि क्या ही बताऊं, भाई साहब 5-6 बार तो मैं ही बचा भाई फिसलते फिसलते। तो भाई एक नया रास्ता एक्सप्लोर कर लिया हमने, मतलब हमें किसी ने बताया, और वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, जो कि भाई सच में रास्ता देखने लायक है। तो है भाई सामने रास्ता जो कि दिख रहा होगा आपको भाई, तो हमें वहाँ जाना है चढ़ते चढ़ते ये सामने से ऊपर, और ऊपर से फिर तिरछा तिरछा भाई, तो ये बहुत तगड़ा सीन होने वाला है। और भी रास्ते में एक चढ़ाई ऐसे पड़ने वाली है ना इस रास्ते में, कि हालत ख़राब होने वाली है सबकी। तो भाई ये देखिए रियल द पावर ऑफ वाटर, भाई साहब पूरा का पूरा पहाड़ चीर डाला। बोले पार्वती पते हर 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 महादेव। तो भाई यहाँ पे चलिए, वाटर क्रॉसिंग बहुत तगड़ी वाली, और पानी का जो वेग है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर देखो भाई अपने मनोजा, ओ ओ ये मनोजा जीत गए, एक लेवल कंप्लीट हो गया, और इधर हमारे बाबा जी आ चुके हैं, और इधर वाटर क्रॉसिंग जारी है। तो भाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने के लिए रेडी हो जाइए, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और वो सामने वाले पहाड़ पे ना शिलाजीत भी है भाई, जिसको हम ला नहीं सकते, और भाई ये शॉर्टकट बहुत महंगा पड़ गया। तो भाई वहाँ से आ रहे हैं, उससे भी नीचे से भाई हालत ख़राब होगी सच में। अब मैं सोच रहा हूँ जो हमारे बाकी दोस्त आएंगे वो कैसे आएंगे। तो भाई लगभग आने वाले, इसके बाद आएगी बर्फ, और बर्फ़ के बाद हमारा भाई केदारनाथ की वादियों में सुंदर सुंदर। तो भाई इधर सामने से दिख रहा मंदिर। तो भाई फाइनली बाबा के द्वार पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँचने वाले हैं थोड़ा सा है, और चलते हैं, और शायद हम आरती तक पहुँच जाएंगे, तो आरती भी दिखाएंगे आपको। तो भाई पहुंचने वाले हैं, और वहाँ ऊपर देखो भाई क्या पीक दिख रही है भाई, मतलब मैंने सोचा नहीं था इतनी ऊपर ये पीक होगी, बादल लगे हुए थे, मैंने सोचा ये जो माउंटेन है इन्हीं के पीछे तक होंगे, बड़े क्या शाइन मार रही है भाई, और उसके पीछे देखो पीक ही पीक आइस से भरी हुई। फिलहाल तो भाई पहुंच चुके हैं जैसे तैसे, 12:12:12 का चल रहा है सेट, 12 बजे निकले थे, 12 बंदे हैं, और 12 बजे पहुँचेंगे रात के। तो भाई आप पहुँच गए प्रॉपरली केदारनाथ में भाई, पहुँचना बहुत दूर है, और इधर बह रही है अपनी मंदाकिनी नदी, और सामने देखो भाई इधर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो भाई फाइनली भाई सामने आपको दिख रहा होगा बाबा जी का मंदिर।
तो भाई अब कहीं जाके अपना पैदल चलना सफल हुआ भाई। ओहो तो भाई बाबा के दर पे पहुंच गए और यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है भाई, बहुत ही ज्यादा। और इधर देखो भाई